बेशक दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। आज लोगों को ये सच है, गवाह है कि हिंदुस्तान को किसने आजाद कराया। हम उनसे कहते हैं, अगर ये पूछना हो तो वो जाए गंगा की रवानी से पूछे, वो जमुना की गहराई से पूछे, वो लाल किला की नाली से पूछे, मीनार की धरती से पूछे, मुमताज महल की सूखी से पूछे, और इस सब जमीन की मिट्टी से पूछे, जहाँ के वे दारों से पूछे, जहाँ के सहराओं से पूछे, तो सब के सब दस्तबस्ता आज जोड़ कर खड़े हो जाएंगे और ये गवाही देने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनको आजाद कराने वाले असल में उल्लाह खान थे। उल्लाह जनरल, माननीय जनरल मौलाना मोहम्मद मौलाना कासिम मौलाना मौलाना कासिम नानावती सबसे पहले आजादी के लिए जो वो आज देवबंद की शक्ल में खड़ा है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया और तहरीक आजादी बन की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल अल फलाह का विस्तार फैलाया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ निकाला था। उनका फलन इतना मजबूत था, वो जो अल फलाह और अल हिलाल ने जो अंग्रेजों के दिमाग खराब हो जाते थे। राम प्रसाद बिस्सू ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद पे फाटने है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुल्क को आजाद कराया मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई इस मुल्क के आजादी के लिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। अंग्रेजों के नापाक जो शिकर थे यहाँ जमे हुए थे, उसको उठाने के लिए उन्होंने बहुत सी तपोबल की और कुर्बानियां की और मास्टर की जेल में चले गए। लाल वो काले पानी की सजा गवारा की, एक मुक्ति ने इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ में का गवारा नहीं किया और मुल्क को अंग्रेजों के पंजे से छुड़ा कर उनकी बला क्षमा कर दिया। उनके जो जर्नी थी मुल्क के अंदर बैठी हुई थी, जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाली थी, उनको मार देना और ये बता दिया कि सब पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद में फाटने है। इरफान ने कहा था कि बातिन से लड़ने वाले मैं आत्मा नहीं हूँ तो बाद में खुदा है, तो ये होगा हमारा सब जाकर इस संत जाकर जेल में भी कराई और ये कहा कि अगर मेरे हकीम के दो औलाद चलवा दंड के बेटे होते
क्या स्पीच दिया मौलाना साहब ने, दिल खुश हो गया भाई। लाइक करें इसके लिए, शेयर करें जितना हो सके पाते करें। बहुत अच्छी बात बताई है आप लोग, प्यार अगर प्यार से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी।